क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि एक रूसी हवाई हमले ने गुरुवार को यूक्रेन के मध्य चरकासी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और 6 लोग घायल हो गए। चरकासी के गवर्नर इहोर टैबुरेट्स ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, यूक्रेन की हवाई सुरक्षा ने कुछ हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि साइट पर आपातकालीन सेवाएं काम कर रही थी। मास्को अदालत सेवा ने गुरुवार को कहा कि उपरूसी रक्षा मंत्री तिमुर इवानोव पर केंद्रित रिश्वतखोरी जांच में एक तीसरे व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इसमें कहा गया है कि ओलम सिटिस्ट्रॉय नामक एक निर्माण कंपनी के सह संस्थापक अलेक्जेंडर फोमिन पर इवानोव को रिश्वत देने का संदेह था, जिसे मंगलवार को हिरासत में लिया गया था, और इवानोव के करीबी सहयोगी सर्गेई बोरोडिन भी हिरासत में है। विदेश विभाग ने कहा है कि 300 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलें राष्ट्रपति के निर्देश पर इस महीने पहले ही यूक्रेन पहुंच चुकी थी, बुधवार को कांग्रेस द्वारा अमेरिकी सुरक्षा पैकेज पारित किए जाने से पहले। विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बताया कि हथियार यूक्रेन के लिए मार्च सहायता पैकेज का हिस्सा थे, न कि वह पैकेज जिसे अभी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था और जो बिडेन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। हमने उनके अनुरोध पर यूक्रेन के लिए परिचालन सुरक्षा बनाए रखने के लिए शुरुआत में इसकी घोषणा नहीं की। दो अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यूक्रेन ने लंबी दूरी के अटैकम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते क्रीमिया में एक रूसी सैन्य हवाई क्षेत्र पर बमबारी की और हाल के दिनों में एक अन्य कब्जे वाले क्षेत्र में रूसी सेना पर बमबारी की। उनमें से एक ने कहा कि बिडेन प्रशासन ने पहले रूस को चेतावनी दी थी कि यदि वह यूक्रेन में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो वाशिंगटन यूक्रेनियन को वही क्षमता प्रदान करेगा। रूस ने तब से ऐसा किया है। अलग से यूएस ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के उपाध्यक्ष एडम क्रिस्टोफर ग्रेडी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को रूसी रसद और सैन्य जमावड़े को अग्रिम पंक्ति से बाहर निकालने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें आपूर्ति करने के निर्णय पर सावधानी पूर्वक और विस्तार से विचार किया गया। मुझे लगता है कि समय सही है और बॉस बिडेन ने यह निर्णय लिया है कि अभी लड़ाई कहाँ है, इसके आधार पर इन्हें उपलब्ध कराने का यह सही समय है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के लिए लंबे समय से विलंबित $61 अरब के सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी देने के लिए अमेरिकी राजनेताओं की प्रशंसा की है, लेकिन कहा कि पश्चिमी सहयोगियों को यह पहचानने की जरूरत है कि यूरोप में शांति का युग खत्म हो गया है और कीव को लड़ने के लिए अनिवार्य रूप से अधिक मदद की आवश्यकता होगी। रूस डैन सब्बाग और ल्यूक हार्डिंग कीव से लिखते हैं। बुधवार को प्रकाशित कानून के अनुसार सेना में जनशक्ति की कमी के बीच उन्हें घर लौटने के लिए प्रेरित करने के उपायों के तहत यूक्रेन ने कुछ सैन्य आयु वर्ग के पुरुष नागरिकों को विदेश में कार्यालयों में नए पासपोर्ट जारी करना बंद कर दिया है। यह घोषणा लामबंदी पर नया कानून लागू होने तक विदेश में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए कॉन्सुलर सेवाओं के निलंबन के एक दिन बाद आई। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट निलंबन केवल नए आवेदनों पर लागू होता है और पहले प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध का सम्मान किया जाएगा। वारसो पोलैंड में एक भ्रमित दृश्य में सैकड़ों यूक्रेनियन एक बंद पासपोर्ट कार्यालय के बाहर भीड़ में जुट गए। उन लोगों में गुस्सा था जिन्हें लगा कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। 38 वर्षीय ट्रक ड्राइवर मैक्सिम ने कहा, यह उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो सेना से भाग रहे हैं। हमसे यह नहीं पूछा जाता कि हम किस आधार पर विदेश गए थे। अगर मैं कानूनी तौर पर विदेश गया था तो मैं ड्राफ्ट डोजर क्यों हूँ? पोलैंड में यूक्रेन के राजदूत वासिल ज्वारिच ने एफपी को बताया कि 23 अप्रैल से पहले यूक्रेन के कॉन्सुलर कार्यालयों में जमा किए गए सभी आवेदनों पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को पासपोर्ट दस्तावेज जारी किए जाएंगे। रूस के दावा करने के बाद कि विस्थापित बच्चों का आदान प्रदान हो रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बच्चों का एक समूह चिकित्सा मानसिक और सामाजिक सुधार के लिए कतर में था। ज़ेलेंस्की ने रूस के उस दावे को संबोधित किए बिना कहा, उन सभी को पहले जबरन रूस भेज दिया गया था, लेकिन हमारे मित्र कतर के मध्यस्थता प्रयासों के लिए धन्यवाद, उन्हें रिहा कर दिया गया है। रूस के बच्चों के अधिकार आयुक्त
मारिया लावोवा बेलोवा, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत द्वारा युद्ध अपराधों के लिए वांछित है, ने दावा किया कि रूस 29 बच्चों को यूक्रेन को सौंप रहा था और 19 बच्चे रूस जा रहे थे। यूक्रेनी ड्रोन ने पश्चिमी रूस में तेल सुविधाओं पर हमला किया। कीव में रक्षा सूत्रों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। स्मोलेंस्क और लिपेत्स्क के पश्चिमी रूसी क्षेत्रों के अधिकारियों ने सबसे पहले हमलों की घोषणा की और ऊर्जा स्थलों पर आग लगाने के लिए यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों को दोषी ठहराया। गवर्नर इगोर आर्टामोनोव ने कहा कि एक अन्य ड्रोन हमले में सुदूर दक्षिण में लिपेत्स्क क्षेत्र को निशाना बनाया गया, जहां धातुकर्म और फार्मास्यूटिकल साइटें हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन उत्पादन सुविधा और यूक्रेनी सेना के ईंधन डिपो पर हमला किया।